प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सुनेगी। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। हमने प्रोटेस्ट भी करे हैं पर अभी कुछ हुआ नहीं है, और ये इंसिडेंसेस रेगुलरली बढ़ रहे हैं, शायद ध्यान देगी सरकार इसका। तस्वीरें आपको पानीपत की दिखा रहे हैं, जहां पर सभी आईएमए की डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में बैनर है और साथ में कैंडल लिए हुए कैंडल मार्च डॉक्टर्स द्वारा निकाला गया है। आप देख सकते हैं बैनर पर साफ तौर पर लिखा है कोलकाता निर्भया को न्याय मिले। जी हां, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पानीपत के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला, साथ ही आईएमए से जुड़े सभी डॉक्टर्स द्वारा इस मामले में न्याय की गुहार की गई। एक बार सुनिए डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा। आईएमए के डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं टू प्रोटेस्ट कि जब हमारा एक ट्रेनी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में की रेप और डेथ हुई है, हम डिमांड करते हैं एक CBI इंक्वायरी और फेयर एंड फाइनल। प्लस बहुत सालों से हम लगे हुए हैं सेंट्रल एक्ट, जो डॉक्टर्स में वायलेंस होता है के अगेंस्ट वायलेंस होता है, एक सेफ जगह नहीं रही है हॉस्पिटल। तो हमने सरकार को बार बार एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करी है कि एक सेंट्रल लॉ पास कर दीजिए, सो दैट कि डॉक्टर अपना काम आराम से करता रहे और सेफली करता रहे। और ये हमारी विनती आज भी रहेगी प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से, कि एक सेंट्रल लॉ जरूरी है टू प्रिवेंट वायलेंस इन हॉस्पिटल्स एंड मेक हॉस्पिटल्स अ सेफ प्लेस। सर, लगातार आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान ले रही, क्या आपको लगता है आप संज्ञान ले सकती हैं? ऐसे यार, हम 4 साल से लगे हुए हैं, कोरोना में इतने डॉक्टर मरे, 2000 डॉक्टर मरे, इस कम्युनिटी का बहुत सेक्रीफाइस है फॉर दिस कंट्री। कारगिल में 800 लोग मरे थे, यहाँ 2000 डॉक्टर मरे हैं कोरोना में। कोरोना में ही जब भी डॉक्टर इम्यूनाइजेशन करने जाता, कोई ना कोई पत्थर मारते, कोई करते, उस वक्त हमने रिक्वेस्ट करी थी और बार बार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है सरकार सुनेगी, और ये बड़ी डिसकंटेंटमेंट है सारे देश में डॉक्टरों में इसके बारे में, तो गवर्नमेंट शुड कंसिडर। प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है सुनेगी, किसी दिन तो सुनेगी। हर चीज़ में टाइम लगता है, हमारी रिक्वेस्ट प्लीडिंग सब रहेगी उसके साथ। हमने प्रोटेस्ट भी करे हैं पर अभी कुछ हुआ नहीं है, और ये इंसिडेंसेस रेगुलरली बढ़ रहे हैं, शायद ध्यान देगी सरकार इसका। तो सुना आपने, डॉक्टरों ने आज घटना का विरोध करते हुए इस हैवानियत के शिकार ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की है।
डॉक्टर्स का कहना है कि पूरे देश में डॉक्टर असुरक्षित है, तो ऐसे में वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार डॉक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी और इस मामले में जितनी जल्दी हो सके पीड़ित के परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। कैंडल मार्च मेन मोटिव हमारी IMA पानीपत निकाल रही है, उनका मेन मोटिव तो यही है कि उस लेडी डॉक्टर जो ट्रेनिंग है कितनी छोटी उम्र के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ ये कितनी बुरी बात लग रही है। हमारी सबकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं उनको उस लेडी डॉक्टर को और जो ईश्वर करे उसको अपने लैब में रखे और ये उनकी आत्मा को शांति मिले। हम बाकी चाहते हैं कि आगे से किसी भी डॉक्टर के साथ ये ऐसा ना हो, यही हमारी रिक्वेस्ट है। जैसा कि डॉक्टर पंकज ने भी बताया, हम चाहते हैं सेंट्रल लॉ जितनी जल्दी हो सके वह पूरा हम लागू हो ताकि हम भी अपने काम में लगें और अपने आप को सेफ महसूस करें। सर, आपके डॉक्टर की साइड से कोई डेलीगेशन गया है जो सरकार से बात करें? कई बार गया है, वो तो कई बार हम बात चलते हैं पेपर के थ्रू और हर बार हमने ये बात की है और बड़ी बड़ी मीटिंग भी की हैं। उन्होंने कई बार आश्वासन दिए हैं पर अभी तक कोई फाइनल नहीं हो पाया। आज भी RV अशोकन हमारे IMA के नेशनल प्रेसिडेंट 2:30 बजे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे, उन्हें सारी चीज़ करी। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अल्टीमेटली यही कहा कि सारी चीज़ समझ के मैं अपना बयान दूंगा। विकास से एक ही चीज़ की गुजारिश है कि इस तरह का जो इंसिडेंस हुआ है, एक हमने एक भावी डॉक्टर को खोया है, ये दोबारा भविष्य में किसी के साथ ना हो। ये बहुत दुखद की बात है, जब परिवार से कोई एक सदस्य चला जाता है तो उसका दुख वो परिवार ही जानता है। तो देश की बेटी थी, तो मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली स्त्रियों के लिए कुछ अच्छा सा संरक्षण हो, उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ नए नियम बनाए जाए ताकि इन फ्यूचर किसी के साथ में ऐसा ना हो। आप ये सब उनसे आप बता रहे हो, उनके लिए कोई SPD साहब के पास भी जाओगे? हम लोग वेरी सून मेमोरेंडम देंगे। MLA हैं जितने भी हैं पानीपत के, कोई सी भी पार्टी के हो, हम चाहते हैं ये इशू रेज हो संसद में, होल नेशन में हो। एंड वी आर ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विद द IMA एसोसिएशन एट कलकत्ता। दे आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज़ द स्टेप दे आर टेकिंग, सो हम उनका सपोर्ट करेंगे, ये सपोर्ट जारी रहेगा, नहीं रुकेगा। तो IMA के सभी डॉक्टर्स द्वारा पानीपत में बीती देर रात कैंडल मार्च निकाला गया। हाथों में बैनर लेकर सभी डॉक्टर सड़कों पर उतरे और कोलकाता निर्भया को न्याय मिले, इसी मांग को लेकर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और सरकार इसमें कुछ ना कुछ जल्द ही जरूर करेगी। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।